जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ उपाय। आज का उपाय, आज क्या करना है, कैसे करना है, इसको आपने समझना है और उस उपाय को करने से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। गुरुवार का उपाय है, गुरु की शक्ति मिलेगी। गुरुवार का उपाय है, भगवान का शीश मिलेगा। गुरुवार के दिन एक विशेष वाइब्रेशन वातावरण में होती है, इस बात को समझ लीजिए। हमने वो वाइब्रेशन लेनी है। आपको बता दूं कि यदि आपको मुहासे वगैरह अधिक होते हैं तो संतरे लीजिए, उनके छिलके छत पर फेंक दीजिए, सुखाकर उन छिलकों को पीस लीजिए और उनका लेप दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाया कीजिए, मुहासे ठीक हो जाएंगे। आपने आज उपाय करना है, जो ध्यान से सुनना है और उसे उसी प्रकार यदि करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा। बेसन लीजिए थोड़ा सा और थोड़ा सा आटा लीजिए और उसमें हल्दी की मिक्स कर दीजिए और इसको आप दान कीजिए। थोड़ा बेसन ये अलग से, थोड़ा आटा उसमें हल्दी मिक्स करके, ये दो चीज़ें हो गई हैं तो तीन, लेकिन हल्दी और आटा मिक्स कर दिया तो ये एक हो गई और बेसन दूसरा हो गया। इनको दान करना है, मात्रा जितनी आपका दिल हो उतनी इनको दान कीजिए। बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपको सुख मिलेगा और तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।